जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 12 के लिए समाकलन चैप्टर 7, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे 7.2 का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग 7.2 का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने बताया है कि समाकलन निकालने की विधियां क्या है। तो समाकलन की कितनी विधियां हैं? तो समाकलन की विधियां हमने बताया आपको 3 विधियां हैं, 1, 2, 3। कौन कौन से है? तो देखिए पहला है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, और तीसरा आपका है खंडशः समाकलन। तो ये समाकलन निकालने की 3 विधियां है अनिश्चित में। हमने सबसे पहले बताया था ना, एक होता है अनिश्चित समाकलन, दूसरा होता है निश्चित समाकलन। तो अभी हम लोग अनिश्चित समाकलन में ही पढ़ रहे हैं। तो अनिश्चित समाकलन में 3 विधियां बताया गया है, एक है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, और तीसरा है खंडशः समाकलन। ठीक है, तो हम लोग यही आज सीखने वाले हैं। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा ये भी बता दें कि इसमें हम लोगों को 7.1 से लेकर कहां तक 7.11 चैप्टर तक पढ़ना है, इतना से लेके कहां तक 7.1 से लेकर 11 तक पढ़ना है। ठीक है ना, यानी 7.1 से लेकर 7.11 तक ले पढ़ना है हम लोगों को चैप्टर में। तो हम इसमें मतलब इसमें कौन कौन से चैप्टर किसमें आ जाएंगे, ठीक है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आएंगे वो हम बता देते हैं आपको। तो देखिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में आपका आ जाएगा एक 7.2 आ जाएगा, फिर 7.3 आ जाएगा, फिर 7.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि 7.234 को आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है आंशिक भिन्नों में वियोजन, ये आपका 7.5 के अंतर्गत आएगा। ठीक है एक्सरसाइज, और इसमें जो होगा आपको 7.6 पढ़ना है, और इसके बाद जो होगा निश्चित समाकलन की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, निश्चित समाकलन में जाएंगे तो उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो हम अभी इसके बारे में आज बताने वाले हैं आपको। तो प्रतिस्थापन यानी कि 7.2 का बेसिक बताने वाले हैं, ये जो किसमें आएगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो यही आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसको इन दोनों को हमें बाद में सीखना है। ठीक है, चूंकि 7.2 के अंतर्गत क्या आ रहा है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के अंतर्गत ये 7.2 आ रहा है, 3 भी हो जाएगा क्लियर और 4 भी हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है ये हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए हमने लिखा है कि समाकलन में स्वतंत्र चर x जो होता है उसको हम t में क्या करेंगे, परिवर्तित कर लेंगे, और फिर t में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, x को हम t मान लेंगे, और फिर प्रतिस्थापित करके तब क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम प्रतिस्थापित विधि से क्वेश्चन को सोल्व करके बनाएंगे। जैसे देखिए आपको हम एक क्वेश्चन बना के एक उदाहरण लेकर समझाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इसको आपको अगर आपको इसको नोट करना है तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर लिख लीजिए। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको रफ कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें आपको बताया 2, 3, 4 इसी में पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए तो अब हमें क्या करना है, एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो गया आपका x स्क्वायर है और बटा है 1 + x³। ठीक है, हमने क्या बोला x स्क्वायर, नीचे हमने लिखा 1 + x³। ये रहा सवाल। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापित विधि से सवाल को सोल्व करना होगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, नीचे वाले को अगर मानते हैं तो ऊपर वाला आएगा कि नहीं, कैसे क्या करना है ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसको हल कीजिएगा, तो जानते हैं क्या कीजिएगा, इसको हम आई लिख लेते हैं, कितना है एक्स स्क्वायर बटा 1 + x³। ओके, अब नीचे वाला जो है इस पार्ट्स को हम मान लेंगे। ठीक है, माना क्या लिखा हुआ है, 1 + x³ बराबर क्या लिख देंगे, t मान लिया। अब इसके बाद में हमें x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकल करना पड़ेगा, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलज करने पर, करने पर।
एक्स के साथ एक्स दोनों तरफ अवकलन करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। ठीक है, एक्स के सापेक्ष क्या कर लीजिएगा, इसको अच्छा से आप लिख लीजिएगा कि एक्स के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ, इसको दोनों तरफ करना पड़ता है, दोनों तरफ क्या करने पर अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर। तो चलिए एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो ये वन का क्या हो जाता है दोस्तों, जीरो हो जाता है। एक्स क्यूब का क्या होता है, आप पढ़े होंगे पावर को पहले लिख देना है और फिर पावर में से एक कम करके लिख देना होता है, ये हो गया। अब इस dx का कीजिएगा ना, इस डी मतलब t t का कीजिएगा तो क्या होता है, dt बटे dx होता है ना, dt बटे dx। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ध्यान दीजिए इस dx को इधर ले लेंगे, ठीक है, इधर क्या बच रहा है, थ्री एक्स स्क्वायर बच रहा है और हम इधर dx को ले लिए, तो क्या बचा इधर, dt बचा, क्या बचा, dt। अब बस इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस तीन को चाहेंगे तो इसके बटा में भेज सकते हैं, बटा में भेज सकते हैं ना, इस तीन को हम यहाँ ना लिखकर हम यहाँ लिख देते हैं बटा में तीन को, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए दोस्तों क्या हो गया, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान हम भर सकते हैं डी टी बटे थ्री, यहाँ पे लिख देंगे अब, इसलिए आई इज इक्वल टू क्या रखेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या भरना है, डी टी बटा थ्री, ठीक है, और ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पे अब कुछ नहीं, तो वन बच रहा है तो ऊपर वन लिख देंगे और नीचे वाले देखिए वन प्लस एक्स क्यूब को, वन प्लस एक्स क्यूब को इतना को हमने क्या बना है, इसको हमने पूरे को क्या बना है, इसको हमने देखिए एक्स वन प्लस एक्स क्यूब क्या बना है, टी बना है, तो नीचे लिख देंगे टी, ठीक है, इस टोटल को हमने क्या बना है, टी बना है ना, तो टी लिख दिया, समझ गए। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स को, एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या बना है, कितना लाया है हमने, dx dt बटे 3, dt बटे 3 जो हमने यहाँ पे लाया है, देखिए x square dx, x square dx के यहाँ पे क्या करना है, dt बटा 3 लिख देना है, लिख दिया। अब हमारा यहाँ से क्या हो गया, ये समझने के लिए आपको हमने घेर कर बताया, ठीक है, ताकि आप समझ जाइए कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसको हमने यहाँ पे इस रूप में ला दिया, ठीक है, प्रतिस्थापित कर लिया टी में। अब यहां से हम चाहेंगे तो एक बटे टी को बाहर निकाल लेंगे, कॉन्स्टेंट है, अब बच जाएगा एक बटे टी और यहाँ पे डी टी, तो आपको पता होनी चाहिए एक बटे थ्री और इसका क्या होता है, एक बटा एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे टी है तो क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे प्लस सी, और आपको पता होनी चाहिए कि एक बटे तीन यहाँ पे लॉग और यहाँ पे टी टी है ना, तो इसको टी को क्या माने, देखिए वन प्लस एक्स क्यूब में वन प्लस एक्स क्यूब को टी माने हैं, यानी टी के स्थान पे वन प्लस क्या रख देंगे, वन प्लस एक्स क्यूब लिख देंगे, यानी हम एक्स के रूप में ला देंगे, जो एक्स के रूप में सवाल था तो एक्स के रूप में आंसर भी चाहिए, इसलिए इस टी को हम क्या करेंगे, जो माने थे ना वही हम टी के स्थान पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल दोस्तों क्या करना है, आपको बनाना रहेगा प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। और भी सवाल इसको चाहेंगे तो एक और विधि से बना सकते हैं, वो भी विधि आपको बताता हूँ, दूसरा विधि से कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझा देता हूँ, पहले आप क्या किया, हमने क्या किया, नीचे वाले को हमने क्या किया, टी मान लिया, ठीक है, फिर इसको दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेना है, ठीक है, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो वन का होता है जीरो, कॉन्स्टेंट है, और एक्स क्यूब का क्या कितना हो जाएगा, पावर पहले लिख देते हैं और इस पावर में से एक कम कर लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टी का हो जाएगा डी टी बटे dx, dx के साथ एक चुक रहा है, तो अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ये 3 को हमने क्या किया, उधर ले दिया और इस dx को क्या किया, इधर ले लिया, यानी x स्क्वायर dx के जगह पे हम क्या कर देंगे, dt बटा 3, तो x स्क्वायर dx के स्थान पे हमने dt बटा 3 रख दिया और इस 1 प्लस x क्यूब के जगह पे हमने क्या माना था, t, तो यहाँ पे t रख दिया, ऊपर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बटा t को बाहर खींच लिया तो 1 बटा t का कितना हो जाता है, log t हो जाएगा, सूत्र आपको बताया गया होगा दोस्तों कि एक बट्टा एक्स का क्या होता है, हमने सूत्र लिखवा दिया है, लॉग एक्स होता है, कितना होता है, लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमने सूत्र आपको पहले से बता दिया है, तो वही हमने किया, एक बट्टा टी को लॉग टी लिख दिया और टी का मान यहाँ से जो हमने माना था वो रख दिया, इसके साथ आंसर आ गया, ठीक है। एक और विधि से बनाएंगे इसको, हम दिखाते हैं आपको दूसरा विधि से, ठीक है, वो भी आंसर इतना ही आएगा, चलिए दूसरा विधि सिखाते हैं आपको, उसका भी उतना ही आंसर आएगा, देखिए दूसरा विधि से कैसे, आपको बताता हूँ, देखिए
दूसरा विधि से इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो दूसरा विधि के लिए देखिए, अगर आपको ध्यान रहे कि अगर आप देखिए कि इसको अगर अवकलन करने पर ये अगर आ जाता है, अगर इसको अवकलन करने पर ये अगर आ जाता है तो इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है, क्योंकि सूत्र बताया गया। देखिए कौन सा सूत्र है भाई, तो ये सूत्र आपको याद रखना होगा। हम एक सूत्र लिख देते हैं कि अगर कोई, देखिए अगर कोई नीचे वाला का अगर हमको ये fx दिया हो और इसका अवकलन करने पर क्या हो रहा है, ऊपर वाला आ जा रहा है, तो क्या करना है आपको, इसका सूत्र हो जाता है, इसका सूत्र हो जाता है log fx, ठीक है, प्लस c, यही फॉर्मूला बताया गया है। तो इस सूत्र के आधार पर अगर हम चाहेंगे तो इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे वाला fx इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं, लेकिन करके देखते हैं। जैसे एफ एक्स कितना है, अगर देखिए कितना है, 1 + x³ लिखा है, तो अगर एफ डैस निकालते हैं तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 3x² आ रहा है, कितना आ रहा है, 3x² आ रहा है, तो यहाँ पे 3x² चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, थोड़ी सी इसमें हम 3 से गुना 3 से भाग कर देंगे। इस सवाल जो है ना, इस सवाल में 3 से गुना और 3 से भाग कर देंगे तो हमें इजी तरीका से इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या किए, 3 से गुना और 3 से भाग कर दिए इस सवाल को, ठीक है। सवाल जैसे आपका है x² / 1 + x³ है, ठीक है, इस सवाल को अगर हम बना रहे हैं, ठीक है ना, इस सवाल को अगर हम बना रहे हैं तो 3 से गुना 3 से भाग यहाँ पे कर दिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे हल करके लिख रहा हूँ, 3 से गुना 3 से भाग कर दिया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3x² आ रहा है, अब 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 3 से भाग कर देंगे, देखिए 3x² आ गया, इसका अवकलन किए, देखिए इसका हमने अवकलन कर दिया तो कितना आया, 3x² आया, जो 3x² ऊपर वाला है इसको कैसे लिख देना है, log fx + c लिख देना है, इसलिए कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये 1/3 तो हमने बड़ा साइन छोड़ देंगे, और इसका हम क्या करेंगे, नीचे वाले का देखिए, जिसका हमने fx का अवकलन किया है तो ऊपर वाला आया है ना, तो जो क्या लिख देना है, log fx लिखना है, fx यहां पे fx लिखना है, fx के स्थान पे क्या दिए हैं, देखिए 1 + x³ दिए हैं, 1 + x³ ये है, प्लस सी आंसर हो गया, देखिए तो ये 2 लाइन में हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को आप दूसरा विधि से ऐसे भी बना सकते हैं, इस सवाल को दूसरे विधि से भी ऐसे बनाया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अगर नीचे वाले को अगर हम मानते हैं, अगर ऊपर वाला अवकलन करने पर आता है तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं कितना, log fx + c सूत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और भी सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम और भी सवाल, अगर आप आगे हम आपको और सवाल बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक सवाल हम ले रहे हैं, क्या है ना कि साइन एक्स लिखा है, ठीक है, साइन एक्स, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ cos x × cos x, ठीक है, ये सवाल हो गया, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए अंदर वाले जो है इसको हम मान लेते हैं, जब इसको हल करेंगे, ठीक है, इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे, देख लेना, हम यहाँ पे लिख देते हैं i = कितना है, sin x × क्या है, cos, यहाँ पे cos है, cos × cos x, ठीक है, dx, तो इतना हो गया। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि हम क्या करेंगे, cos को मान ले रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, cos को मान ले रहे हैं, अंदर क्या है, cos x को हम t मानेंगे, तो x के साथ x दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, करेंगे ना, कितना आ जाएगा, x cos का कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस साइन, और इसका क्या हो जाएगा, dt/dx, तो देखिए dt/dx आ रहा है ना, तब क्या करेंगे हम, इस dx को यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, इधर बच जाएगा dt, ये dx भाग में है तो इधर आके कितना हो जाएगा, गुणा में, और इधर क्या बच गया, dt, भाई माइनस को मैं उस साइड भेज दे रहा हूँ, ठीक है ना, इतना आ गया, अब बस इतना हमें काम कर लेना है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, i = देखिए ये sin x है,
तो साइन एक्स के देखिए साइन एक्स है ना, यहाँ पे देखिए साइन एक्स हो गया और यहाँ पे है डीएक्स, तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स हो गया डीएक्स हो गया, तो इस साइन एक्स और डीएक्स के स्थान पे हमें क्या भर देना, माइनस डी टी भरना है, माइनस डी टी भर देना है, ठीक है। बस क्या गया, ये कॉस बचा है तो कॉस, और इस कॉस को आपने क्या माना है, टी माना है, तो यहाँ पे टी, ठीक समझ गए। हमने क्या किया, इस साइन एक्स और डीएक्स, ठीक है, साइन एक्स डीएक्स के स्थान पे क्या किया, माइनस डी टी भर दिया, राइट। बच गया अब ये कॉस, तो कॉस ये कॉस का हमने माना है टी, तो टी, समझ गए होंगे कैसे हमने क्या किया। बस अब क्या करेंगे, अब इसके आगे थोड़ी सी बनना है, माइनस को बाहर ले लेना है, तो बच जाएगा कॉस टी यहाँ पे डी टी। तो आपको पता होना चाहिए कॉस का क्या हो जाएगा, साइन होता है, कॉस का समाकलन साइन, टी है तो टी प्लस सी, अब यहाँ पे माइनस साइन, और यहाँ पे टी का मान हमने जो माना है यहाँ पे कॉस माना है, तो यहाँ पे हम कॉस रख देंगे, कॉस एक्स प्लस सी, इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करना होगा, एकदम प्रतिस्थापन विधि बहुत इजी है, थोड़ी सी दिमाग लगाना है, ठीक है। तो कॉस का साइन होता है, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, हमने पहले भी ये सब सूत्र बता दिया है, आप ध्यान दीजिएगा, कॉस का क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी, ये सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र आप याद रखिएगा, इसी सूत्र पर यहाँ पे लिखे कॉस को हमने साइन लिखा है, माइनस है तो माइनस, ठीक है, और यहाँ पे कॉस डिवाइड हो जाएगा, टी का मान हमने यहाँ से क्या कर दिया, कॉस यहाँ पे रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करना होगा, राइट। चलिए एक और उदाहरण देकर बताते हैं आपको, समझाते हैं। तो इस सवाल है, तो सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम आई मान लेंगे। आई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन, आई के मतलब इंटीग्रेशन होता है, यानी समाकलन होता है, ठीक है। ये सवाल को हम एक लाइन उतार लिया, मान लेंगे हम, माना किसको मानेंगे, ये कोस्ट वाला ज्यादातर दिया रहता है उसी को मानना है, तो लॉग एक्स को हम क्या मानेंगे, टी मान लेते हैं। अब एक्स के साथ एक्स करिएगा दोनों तरफ अवकलन, तो क्या हो जाएगा, वन बटा एक्स हो जाएगा इसका, और इस टी का हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स, ठीक है। इस डी एक्स को चाहेंगे तो हम इधर लिख सकते हैं एक ही बार में, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, डी एक्स इधर लिख लिया तो बच गया इधर डी टी, ठीक है। तो अब ध्यान देना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वहां पे अब मान पुट कर देना है, तो इस पे अब क्या हो जाएगा, देखिए आई इज इक्वल टू क्या करना है, देखिए एक ऊपर कुछ नहीं तो एक है, अब बटा एक्स डी एक्स, एक बटा एक्स, यहाँ पे मान लीजिए एक है ऊपर ना नीचे एक्स है, तो एक बटा एक्स डी एक्स के स्थान पे क्या कर देना है, डी टी रख देना है, तो बचेगा लॉग एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स का हमने क्या माना है, टी माना है, तो टी लॉग एक्स की जगह पे क्या बना देना है, टी स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया है ना, टी का स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, एक बटा एक्स डी एक्स के जगह पे क्या बनना है, यहाँ पे ऊपर एक नीचे एक्स, एक बटा एक्स आई डी एक्स, इस सबको मिला के हमें क्या करना है, देखिए एक बटा एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी रख देना है, क्या कर देना है, डी टी, समझ गए। तो इस तरह से अब इसको आगे बढ़ा देना है, तब आपको पता होगा ना इसका क्या होता है, पावर में जो रहता है उसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, वही चीज बस भाग कर देते हैं, पीछे पढ़ा है ना, तो पीछे वाला जो एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना है, नहीं तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उसको याद रखना पड़ेगा आपको। इतना हमने लिख लिया, उसके बाद में क्या हो जाएगा, टी के पावर थ्री बटा थ्री हो जाएगा प्लस सी, तो एक बटा, अब क्या करेंगे हम टी का मान यहाँ से पुट कर देंगे, रख देंगे जो मान माने हैं, तो यहाँ पे हमने माना है लॉग एक्स, इसका पावर कितना आ गया, थ्री बटा थ्री, ठीक है, प्लस सी, इसका यही राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें सवाल को सॉल्व करना है। अब हम इसके अगले वीडियो में लेकर आएंगे 7.2 एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन अच्छी तरह से, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि कैसा वीडियो लगा, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो लाऊं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।